हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो सो वेलकम, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं जा रही हूँ आर्ट जैमिंग के लिए। यहाँ पे एक कैफ़े है जहाँ पे आप आर्ट कर सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, एंड वो सारा सामान भी प्रोवाइड करता है। सो आई शो यू, लेट्स गो। सो आई एम वेटिंग फॉर माई कैब। आज मौसम थोड़ा अच्छा है। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। ये है कैफ़े द पेरिस, जो मैंने बताया पहले कि यहाँ पे आर्ट जैमिंग सेशन होते हैं। ये प्राइस है यहाँ पे, और सारा मटेरियल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मुझे ये कैफ़े बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। ये सारे बुकेज है जो आप ख़रीद सकते हो। सो एक साइड यहाँ पे टेबल्स लगाए हुए हैं जो मेन कैफ़े है, जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो। केक्स, कॉफ़ी, बहुत सब कुछ मिलता है यहाँ पे। कैफ़े मॉल का जो बीच का कॉरिडोर होता है वहाँ पे बनाया हुआ है, और आसपास दोनों साइड पे शॉप्स हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड उन्होंने आर्ट जैमिंग का प्लेस बनाया हुआ है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे है और पेंटिंग कर रहे हैं, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे बना रहे हैं। एक्चुअली मैंने रिजर्वेशन नहीं करवाया था, मैं भूल गई थी। सो मुझे प्लेस थोड़ी पीछे के साइड पे मिली है, एक ही खाली था वहाँ पे, तो आई एम गोना सिट हियर। यहाँ पे एक कैनवास प्रोवाइड करते हैं, देन ये स्टैंड है कैनवास के लिए, देन ये पेंटिंग प्लेट है पेंट्स के लिए, जहाँ पे आप ये एक्चुअली कवर किया हुआ है, देन सम ब्रशेस, वाटर, पेंसिल एंड इरेजर। सो ब्रशेस बहुत ही नॉर्मल है एक्चुअली, वो लोग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो अच्छे से वॉश किए होते हैं, तो विच इज़ आई लाइक। देन यहाँ पे एप्रन भी है, एंड कैनवास साइज़ होती है 30x40 cm। अगर आप उसको एक साइज़ अप करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। एंड माई एप्रन इज़ ऑन। यहाँ पे एक बुक भी रहती है जहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस पेंटिंग्स रहते हैं, आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है मुझे क्या ड्रॉ करना है।
सो सबसे पहले मैं लेआउट ड्रॉ कर लूँगी जो मैंने सोचा है वो, एंड उसके बाद मैं उसमें पेंट ऐड करूँगी। सो यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स प्रोवाइड करते हैं, सो ये बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं विच इज़ वेरी गुड। आपको कोई कलर मिक्स नहीं करना होता, और बेसिक जो मुझे चाहिए थे रेड ब्लैक एंड येलो मैंने ले लिए हैं, एंड नाउ आई विल स्टार्ट पेंटिंग। यस, यहाँ पे आपको एक फ्री ड्रिंक भी मिलता है, 3 ड्रिंक्स होते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना होता है। मेरा था हॉट हनी लेमन जिंजर। एंड फाइनली आई एम एडिंग बैकग्राउंड कलर। सो माई पेंटिंग इज़ रेडी। मैंने यहाँ पे द गोल्डन बुद्धा बनाया हुआ है, एंड लास्ट में यहाँ पे ड्राइंग स्टेशन भी है जहाँ पे आप ड्रायर को यूज़ कर सकते हो अपने पेंट्स को ड्राई करने के लिए। सो आई एम जस्ट डूइंग इट। रेडी, टाडा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा पेंटिंग आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, शाम भी हो चुकी है, एंड स्पेशली नाइट में ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगती है, हाईलाइट होती है बिकॉज ऑफ द कलर्स। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टुडेज व्लॉग अगर आपको ये अच्छा लगा हो व्लॉग तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।